आज हम बात करेंगे, अगर आप नंबर 5 है, सो व्हाट आर द हेल्थ इश्यूज जिनसे आप ससेप्टेबल हो, एंड आपको अपने डाइट में किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, क्या प्रिकॉशंस लेना है सो दैट यू कैन लीड अ हेल्दी लाइफ। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। सो जैसे आप सब जानते हैं, वी हैड स्टार्टेड दिस हेल्थ सीरीज़। हमने नंबर 1 से नंबर 4 तक ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। एंड बीच में थोड़ा सा लंबा गैप हो गया था बिकॉज़ वी वर डूइंग सम अदर टॉपिक्स, जिसका आप लोगों ने काफ़ी डिमांड भी किया है, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट अगेन कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, DMs आ रहे हैं कि प्लीज़ हेल्थ सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए, उसे कंप्लीट कीजिए। सो आज हम बात करेंगे नंबर 5 के बारे में। सो आप नंबर 5 कब होते हो? या तो आपका बर्थ डेट नंबर 5 पे आता है, दैट मींस यू आर बॉर्न ऑन 5, 14 और 23rd ऑफ एनी मंथ, या आपके जो डेट ऑफ बर्थ के टोटल होते हैं वो नंबर 5 पे आता है। सो मैंने काफ़ी बार कहा है, जो नंबर 5 होता है वो मर्क्यूरी से रूल्ड होता है, दैट इज़ बुध। तो ये जो मर्क्यूरी है ना, वो हमारे स्पीच को गवर्न करता है, हमारे माइंड को गवर्न करता है। सो अगर आप नंबर 5 हो, दैट मीन्स आप मर्क्यूरी से रूल्ड हो, तो आप किन डिजीजे से, किन हेल्थ इश्यू से ससेप्टेबल हो, वो है यू नो योर नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रोन होता है। साथ ही साथ आपकी जो स्पीच होती है, कई बार होता है कि यू नो यू माइट हैव सम स्पीच डिफेक्ट, आपके मेमोरी पे भी असर आ सकता है। आपके नॉस्ट्रल्स, सो यू नो यू माइट हैव इश्यूज़ रिलेटेड टू कफ एंड कोल्ड कंटिन्यूअसली, तो आपको इसका खास ध्यान रखना है। योर हैंड्स, यू नो दे माइट गेट नम वेरी फ्रीक्वेंटली, या कुछ ना कुछ इशू आपके हैंड्स में आता है, बिकॉज जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, वो इन सब चीज़ों को गवर्न करता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि आपको स्लीपलेसनेस होगी, आपको अच्छे से नींद नहीं आएगा, इंसोम्निया, डायबिटीज़, या तो फिर फिज़िकल एंड मेंटल डिप्रेशन। तो आपको अपने शरीर का काफ़ी ध्यान रखना है। नंबर 5 वाले लोगों को स्टैमरिंग भी हो सकती है काफ़ी हद तक, या लिस्पिंग हो सकती है, एंड कुछ हद तक उन्हें नाक या माथे में ट्यूमर होने के भी चांसेस होते हैं। तो जो नंबर 5 वाले लोग हैं, सी आई विल अगेन टेल यू, इन वीडियोस का मकसद ये नहीं है कि आपके मन में डर पैदा किया जाए। द होल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियोस आर कि आप में एक अवेयरनेस आए, सो दैट कि आप राइट प्रिकॉशंस ले सके एंड एक हेल्दी लाइफ व्यतीत कर सके। साथ ही साथ ये चीज़ भी ध्यान रखिए, अगर आप नंबर 5 हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी बीमारियाँ होंगी, या इनमें से कुछ होगा ही होगा, बट यू आर मोर प्रोन टू देम। सो द पॉइंट इज़ कि आप राइट टाइम पे इनका प्रिकॉशंस ले ले, सो दैट आप इन सब से बच सके। तो सबसे पहला रेमेडी जो आपके लिए है कि आपको एडिक्वेट रेस्ट लेना है, अच्छे से अपनी नींद को पूरा करना है, मेंटल पीस मेंटेन करना है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा सहायक रहेगा। साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं, वो है कैरेट, रेडिश, कोकोनट, अजवाइन, मिंट, ग्रीन वेजिटेबल, पल्सेस एंड बार्ली। इससे जो है आपकी जो हेल्थ होती है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है, एंड आप इन बीमारियों से बच सकते हो। साल में कुछ ऐसे महीने होते हैं जिनमें आप थोड़े से वल्नरेबल ज़्यादा हो जाते हो, वो मंथ्स है जून, सितंबर एंड दिसंबर। तो इन महीनों में खास करके थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए, सो दैट कि आप इन बीमारियों से या इन प्रॉब्लम से बच सको। साथ ही साथ आप अपने जीवन के 14th, 23rd, 41st या 50th ईयर में देखोगे कि कुछ खास चेंजेस आए हैं आपके बॉडी में, विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन सालों में थोड़े से आप कॉशियस रहिए, राइट डाइट को इंक्लूड कीजिए अपने लाइफ में, अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे से सोइए, अपनी नींद को पूरा कीजिए और मेंटल पीस बनाए रखिए। I wish you all a very very healthy life and a good life. अगर आप नंबर 5 है, so do let us know whether you face these problems or you know if you could relate to the video.
and we would look forward to your comments. And as always, thank you so much for watching our videos, liking them, commenting to us, and letting us know what next we should do. We really look forward to your comments, and I make sure and I try my best to reply to each one of you. Agar phir bhi miss ho jata hai, to please forgive me. I will make sure ki jin jin ka reply baki hai, I will definitely reply to them. Thank you so much.